आइए जो हमारे अन्य आचार्य हैं काव्य हेतु पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं वामन के बाद, चूंकि वामन ने प्रकीर्ण शब्द का इस्तेमाल किया है, उसकी हमने व्याख्या भी देखी कि प्रकीर्ण के भीतर क्या है। आगे जो आचार्य हैं वो क्या कहते हैं काव्य हेतु के विषय में। जयदेव हैं वो श्रुत देखिए प्रतिभा की बात कर रहे हैं जैसे अन्य लोग कर रहे थे। ठीक है, प्रतिभा की बात कर रहे हैं जयदेव भी। और एक चीज प्रश्न आपके लिए, जयदेव की कौन सी कृति है साहित्य शास्त्र की, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमें कि प्रतिभायो प्रतिभा की बात कर रहे हैं श्रुत और अभ्यास। श्रुत यहाँ पे व्युत्पत्ति जैसा है, श्रुत मतलब ज्ञान, सुन कितनी चीज़ें, कितनी चीज़ों का आपने ज्ञान लिया है, तो श्रुत और अभ्यास। तो यानी देख लें तीनों काव्य हेतु जयदेव की इन्हीं तीन शब्दों में आ गए, प्रतिभा श्रुति और अभ्यास कवितम प्रति। और ये एक उपमा भी दे रहे हैं कि जैसे मृद मतलब मिट्टी, अम्ब मतलब जल, ठीक है, बीज के जो वृक्ष बनने का बनने की प्रक्रिया में जिस प्रकार से बीज, ठीक है, मिट्टी और जल ये जिस प्रकार से होते हैं उसी प्रकार प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास उसी प्रकार होता है। यानी कि प्रतिभाव के भीतर रहेगा ही और व्युत्पत्ति और अभ्यास से ये प्रतिभा जो आपकी बीज रूपी प्रतिभा है वह कविता में बदल जाएगी। जैसे बीज मिट्टी और जल के संपर्क में आने के बाद पुष्पित पल्लवित होता है। आगे देखेंगे ज्ञान और अभ्यास रूपी, देखिए वही बात जो मैंने आपको बताई। और हेमचंद्र भी उस तरीके की बात करते हैं, प्रतिभा की बात कर रहे हैं, प्रतिभा ही कविता के कारण का कारण है, ये हेमचंद्र कहते हैं। यानी ये सारे लोग आप देखेंगे बार बार प्रतिभा की बात कर रहे हैं। और व्युत्पत्ति अभ्यास उस कारण का संस्कार करता है, यानी कि जो है हेमचंद्र तीनों चीज़ों को ला रहे हैं लेकिन प्रमुख रूप से प्रतिभा की बात करते हैं। ठीक है कि अभ्यास व्युत्पत्ति और अभ्यास हो तस्या एवं संस्कार कारकौ ना तु काव्य हेतु। आगे बढ़ते हैं हम, मम्मट का काव्य हेतु बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मम्मट हैं भी बहुत महत्वपूर्ण आचार्य। क्यों हैं, मैंने पिछले बार जब कक्षा में आपको काव्य लक्षण पढ़ाते हुए मम्मट के बारे में बताया भी था। मम्मट किस चीज़ की बात करते हैं काव्य लक्षण में, इनका ये सूत्र मतलब 50% संभावना है काव्य शास्त्र से कोई प्रश्न बने तो मम्मट का यह सूत्र दे दिया जाए आपको कि ये किसका सूत्र है, यक्षक निपुणता और लोकशास्त्र को किसने काव्य हेतु के रूप में वर्णित किया है। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए तैयार रहें आप, कुछ चीज़ें बहुत प्रेडिक्टेड होती हैं कि परीक्षा में आएंगी ही आएंगी। शक्ति की बात करते हैं, यानी शक्ति वही शुरू में आपको बताया था मैंने, शक्ति मतलब प्रतिभा निपुणता और लोकशास्त्र, ठीक है, काव्यादवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्त उद्भवे। ठीक है, तो ये शक्ति निपुणता लोकशास्त्र को और जो है काव्य की शिक्षा और अभ्यास सारी चीज़ें मतलब घुमा फिरा के वही बात है, प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास। शक्ति को ये डिफाइन करते हुए मम्मट कहते हैं कि शक्ति ही कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषा, यानी शक्ति सारे लोग जो बात करते हैं शक्ति बीज रूप में व्यक्ति के अंदर अवस्थित होती है। जगन्नाथ की बात करते हैं, पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शती के आचार्य, उन्होंने क्या कहा है, तस्वचा कारणम कविता केवला प्रतिभा साचा, काव्य के एकमात्र कारण के रूप में पंडित राज जगन्नाथ प्रतिभा को मानते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र भी विशेष रूप से याद रखें कि काव्य कविगता आप इधर से देख लें स्पष्ट के तस्वचा कारणम तस्यचा कारणम कविगता केवला प्रतिभा साचा। और क्या कहते हैं कि काव्य घटना अनुकूल शब्दार्थ उपस्थिता, एक तरह का ये काव्य लक्षण भी है। ठीक है, ये काव्य लक्षण भी एक तरह का कि काव्य में घटना के अनुकूल शब्दार्थ की उपस्थिति हो, यही कविता है। आगे बढ़ेंगे हम,
भट्ट तौत ने प्रतिभा को थोड़ा डिफाइन किया है, उस पर भी हम लोग नज़र डाल देते हैं। सारे लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं, सारे आचार्यों ने। प्रज्ञानोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, महत्वपूर्ण सूत्र है, आपसे पूछ लेता है कि प्रज्ञा मतलब प्रतिभा क्या है। नए नए जो उन्मेष हैं अपनी प्रतिभा के दम पे कविता में नई नई बातें निकाल के लाइए, कुछ मौलिक बातें कविता में कहिए। कई बार क्या है कि लोग कविताएं करते हैं लेकिन वही बात करते हैं जो पहले से कवियों ने कही है। जैसे किसी के मुख को चंद्रमा बताना, तो करोड़ों करोड़ों नहीं पर जितना तक हमें साहित्य का इतिहास हमें पता है, संस्कृत साहित्य से भी हम देखते हैं कि मुख को चंद्र कहना मतलब पुरानी सी, इसीलिए अब जानते हैं कि अज्ञेय ने कह दिया था ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। तो वो बात आप देखें कि नए नए नौन्मेष की बात करते हैं भट्ट तौत। फिर अवनुगुप्त प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अपूर्व वस्तुओं का निर्माण करती है प्रतिभा, यानी जो पहले से नहीं है उन वस्तुओं का निर्माण करती है प्रतिभा। अपूर्व वस्तु के निर्माण सक्षम प्रज्ञा प्रतिभा है। कुंतक, कुंतक पूर्व जन्म से मिले संस्कार को प्रतिभा के रूप में वर्णित करते हैं। आगे बढ़ते हैं रुद्रट, अब ये सब कुछ फैक्ट हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रुद्रट प्रतिभा के दो भेद करते हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा क्या है? जो आपके साथ सहजा, जो आपके साथ जन्म लेती हो, यानी कि जो पहले से आपके अंदर इनबिल्ट है, जैसे मोबाइल फ़ोन में ऐप कुछ आते हैं जो पहले से रहते हैं, वैसे ही प्रतिभा आपके अंदर पहले से रहेगी। उत्पाद्या जिसे आप अर्जित कर रहे हैं। राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद कर दिए कि जो लिखने वाला कवि है उसके अंदर कारित्री प्रतिभा होती है जो काम कर रही है, और भावित्री प्रतिभा जो पाठक है उसके अंदर भी प्रतिभा होनी चाहिए। तो अब देखें कि अलग अलग नज़रिया है उन दिनों के लोगों का सोचने का। ये कहते हैं कि टैलेंट सिर्फ राइटर में नहीं होता, रीडर में भी होता है, तभी वो राइटर की चीज़ों को पढ़ लेता है, भावित्री प्रतिभा है वो। और व्युत्पत्ति के बारे में राजशेखर क्या कहते हैं कि व्युत्पत्ति क्या है? जैसे हम व्युत्पत्ति कह रहे थे, उचिता अनुचित और विवेका है व्युत्पत्ति, यानी कि उचित और अनुचित में आप अंतर कर ले जाएं, ठीक है, मतलब बुद्धि से उसका संबंध है व्युत्पत्ति का। काव्य प्रयोजन ये महत्वपूर्ण विषय है, और अभी तक हम काव्य लक्षण काव्य हेतु देख चुके हैं, ये काव्य प्रयोजन है। ठीक है, देखते हैं इसे। प्रयोजन तो आप लोग जानते होंगे कि बार बार सुने होंगे कि क्या प्रयोजन है किसी चीज़ का, जब हम करते हैं तो पूछा जाता है क्या प्रयोजन है। कई बार इससे लाभ भी, इसका अर्थ लाभ से भी निकलता है कि क्या लाभ है। तो प्रयोजन यही है कि क्या किसी चीज़ के करने के क्या फ़ायदे हैं। जाहिर सी बात है, आप कोई काम कर रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दोनों लोगों के कुछ ना कुछ फ़ायदे होंगे ही, तो कविता करने के क्या फ़ायदे हैं, इसी विषय पे हम लोग काव्य प्रयोजन में बातचीत करते हैं। भरत मुनि नाटक के आचार्य हैं, तो उन्होंने नाटक के संदर्भ में अपनी बात कही है, लेकिन कविता के प्रयोजन से मिलती जुलती बात है। दुखार्ता नाम क्षमार्ता नाम शोकार्ता नाम, इसकी बात करें दुखों का, आप थक गए हों तो कविता सुन लें, आपको थोड़ी कविता सुन लें, क्या नाटक के विषय में बात करते हैं, लेकिन कविता के संदर्भ में अगर हम सोचें तो आप बहुत परेशान हैं, जैसे आप कहते नहीं कि मैं बहुत दुखी हूँ, सैड सॉन्ग सुनने लगते हैं, ये भी क्या है, काव्य प्रयोजन है। अगर गाने का प्रयोजन बने, गान प्रयोजन, गायन प्रयोजन, तो यही है कि आप सुन लिए और आपका दुख कम हो गया, आपको लगता है कि आपका दुख कम हो गया। तो कविता दुखों का नाश करती है। श्रम, थक गए हों आप, मतलब शाम तक आप बैठे बैठे कुछ पढ़ रहे थे, बोर हो गए, गाने सुन लिए, कविता सुन लिए, तो फ्रेश फील करने लगे, यही है। श्रमार्ता नाम शोकार्ता नाम, वो जो कष्ट है कोई आपका, तो आप कविता के ज़रिए, नाटक के ज़रिए उसको भूल सकते हैं। ऐसे तमाम धर्म, अब महत्वपूर्ण क्या है कि धर्म, यश, आयुष, बुद्धि विवर्धनम, मतलब बुद्धि में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। आप किसी पुराने से नीति शतकम पढ़ लें तो आपको बहुत सारी दुनियादारी का आइडिया लग जाता है, कैसे क्या करना चाहिए, उचित क्या है। जो नीति शास्त्र के जो श्लोक हैं चाणक्य के, वो पढ़ लें तो आपको दुनियादारी का आइडिया लग जाएगा, तो आपकी बुद्धि में वर्धन भी हो जा रहा है कविता के जरिए, धर्म और यश की प्राप्ति होती है। ठीक, तो ये धार्मिक तमाम ग्रंथ हैं जिसको लिख करके ईश्वर की कृपा मिलती है, तमाम चीज़ें हैं, फ़ायदे हैं, यही सब फ़ायदों की बात करते हैं। लोक उपदेश जननाम, लोगों को उपदेश दे सकते हैं कविताओं के ज़रिए, जैसे कोई बात आपको बतानी हो तो कविता लिख दीजिए उस विषय में। जैसे आज़ादी का दौर चल रहा था, क्रांति का दौर चल रहा था, अंग्रेज़ों से हम लोग त्रस्त थे,
तो उस दौर के लोगों ने कविताएं लिखी, वीररस से परिपूर्ण कविताएं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता था। सीधे सीधे कह देते थे कि अंग्रेज़ हमारे दुश्मन हैं, इनको इनसे बगावत करनी है, तो लोग नहीं करते। लेकिन जब कविताओं के जरिए अपनी बात कहते थे, क्रांति के अब बिगुल बजाते थे, तो लोग सुनते थे उनकी बात। तो लोगों को उपदेश जननाम, लोगों को उपदेश देने के लिए भी कविताओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। हालांकि जो भरत मुनि हैं वो नाटक के आचार्य हैं, इसलिए वो नाट्यम एतत् भविष्यति की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि मैं बहुत तेज़ी से पढ़ाता हूँ, तो 1.5x के चक्कर में मत पड़िएगा, 1.5x के, ठीक है। तो भामा, भामा क्या कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों जो पुरुषार्थ हैं वो कविता से हमें प्राप्त होते हैं। भामा इसकी बात करते हैं, क्या कहते हैं? करोति कीर्ति प्रीतिम चा साधु काव्य निबंधम, कि आपको जो है वो फेम, यश भी मिलेगा, कीर्ति भी मिलेगी, और प्रीति, लोगों का जो पॉपुलरिटी है वह भी आपको इससे मिलेगी। वामन कहते हैं, काव्यम सहित दृष्टार्थ दृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, ये बार बार पूछता है, इतना खाली कि किसका है प्रीति और कीर्ति, तो वही है कि काव्य के प्रयोजन में प्रीति और कीर्ति आपको मिलेगी। मम्मट, जहाँ जहाँ मम्मट मिले कुछ विशेष बात रहती है, थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है परीक्षा उपयोगी दृष्टि से भी। काव्यम, काव्य से क्या मिलता है मम्मट के यहाँ? यश से अर्थ कृतम, यश मिलेगा, रुपया पैसा मिलेगा, और व्यवहार आइडिया लगेगा दुनिया में कैसे आपको बिहेव करना है, ठीक है, मैनर पता चलेगा। श्वेतर क्षते, ये शब्द श्वेतर यानी कि शिव मतलब होता है कल्याण, श्वेतर मतलब कल्याण से इतर, क्या ना जो अकल्याण, तो अकल्याण का भी नाश करेगा, यानी कि आपका कुछ ऐसा हानि होने वाली है आपके साथ कुछ, ठीक है, कुछ आपका नुकसान होने वाला है, किसी कष्ट में है आप, तो उसका भी नाश कविता के जरिए होता है। और पर निवृत्तये कांता सम्मित, ये महत्वपूर्ण लाइन है, कांता सम्मित उपदेश देती हैं कविताएँ। कांता मतलब पत्नी, तो पत्नी के समान आपको उपदेश देती कविताएं, जैसे आप किसी को जाके रास्ते में कहने लगे देखो ऐसा है, ये करो और ये अनुचित है, यहाँ पैसे मत बर्बाद करो, ये पढ़ाई लिखाई किया करो, तो कहेगा कौन आदमी है जो ज्ञान दे रहा है फिजूल का मुझे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ज्ञान देना थोड़ा बुरा लगता है लोगों, लेकिन कविता के जरिए जब आप किसी को ज्ञान दे रहे होते हैं तो वो ऐसा ज्ञान होता है जैसे पत्नी अपने पति को समझा रही हो बड़े प्यार से। कविताएँ आपसे वैसे बात करती हैं जैसे पत्नियाँ आपसे बात करती हैं, बहुत प्यार से अपनी बात समझाती हैं। अब चूँकि ये उस दौर का समाज है, अब ये मम्मट के ज़माने का मतलब 1100-1200 साल पहले की बात है, जाहिर सी बात है वहाँ पे पत्नी और जैसे एक तरह का पुरुषवादी समाज रहा है, तो पत्नी के उपदेश से संबंधित इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें वर्णित हैं। आगे बढ़ेंगे हम, ये कुछ ग्रंथों के नाम हैं जो कि परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, इसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। जैसे भामा काव्य अलंकार लाते हैं, छठी शती में दंडी काव्य आदर्श लाते हैं, वामन काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति लाते हैं, तो ये उन्हीं सारे आचार्यों का नाम है जिनका मैं जिक्र कर रहा था, और आप पढ़ लें क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कौन सी कृति किसकी है, या फिर क्रम से कृतियों को लगाइए, ज़रूरी है आपको ये पढ़ लें। आप ऐसे देखें, आप ग्रंथ सारे वर्णित हैं, भट्टनायक हृदय दर्पण और अभिनवगुप्त ध्वन्यालोक लोचन अभिनव भारती, दो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं इनकी, कुंतक वक्रोक्ति जीवितम भोजराज, तो ये महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। और यहीं पे जो हमारी कक्षा है वह समाप्त होती है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात जो फिर से करनी चाहिए, हम लोग काव्यशास्त्र का अपना ये विषय है वो पूर्ण कर चुके हैं, भारतीय काव्यशास्त्र जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है हम पूर्ण कर चुके हैं, और अभी भी बहुत देर नहीं हुई है और कोर्स बिल्कुल शुरू ही हो रहा है, तो शीघ्र अति शीघ्र आप क्रैश कोर्स में जो स्टडी कैपिटल आपको उपलब्ध करवा रहा है लाइव क्लासेस, उसमें आप जुड़ जाएं, वहाँ मैं ही आपको पढ़ाऊँगा 1 घंटे रोज़ाना, हम लोग महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वह सब देखते हुए चलेंगे, एक महत्वपूर्ण समझ विकसित करते हुए चलेंगे साहित्य के संदर्भ में, और जो हमारा CUT एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और पिछला भी बैच उसमें ज़्यादातर लोग यहीं BHU में पढ़ रहे हैं, मेरे ही जूनियर बन के आए हैं, तो आप लोग भी 2 ही महीने के बाद, 2-2.5 महीने के बाद एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल भी देर ना करें, शीघ्र इस कोर्स में जुड़ जाएँ। धन्यवाद।